अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आलू के, गोभी के, मूली के सारे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये दो मूली मैंने ले लिया है, और इसमें डालने के लिए ये सारे सामान ले रखा है मैंने। अदरक है, लहसुन है कटा हुआ, ये क्रश करा हुआ जीरा और अजवाइन है, हरी मिर्च है, ये हरा धनिया है, और इंशाल्लाह हम बनाते हैं मूली के पराठे। पहले इसको हम ग्रेट करते हैं, इसको मूली को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा मूली जो है हमने निचोड़ लिया है, और कितना ड्राई हो गया है। अगर हम मूली को निचोड़ेंगे नहीं तो इसमें पानी रहेंगे, तो पानी से पराठा अच्छा तरह से बनेगा नहीं, इसलिए हमने मूली को निचोड़ लिया है। और इसमें हम मिक्स करेंगे, अब वो पानी भी है, पानी हम या तो आटे में गूंथ लेते हैं, वैसे हम आटे में नहीं गूंथते, हम खुद ही पी जाएंगे, क्योंकि मूली बहुत फ़ायदा करती है। अब ये देखिए हम सारा मिक्स कर रहे हैं, ये जीरा अजवाइन, ये हरा धनिया बहुत सारा है, और नमक हम नहीं मिक्स करेंगे अभी इसमें, क्योंकि नमक से पानी छोड़ता है। तो हम थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे एक एक पराठा, और उसमें मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है। वैसे भी मूली के इतने सारे फ़ायदे हैं, पेट के लिए तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और गैस वैस के लिए तो माशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में वैसे भी मूली हर तरह से खाना चाहिए, मूली का कम से कम रोज़ ही यूज करना चाहिए, और पराठा भी बना के खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फ़ायदा करता है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तवा रख दिया हमने गरम करने के लिए, इसमें अंदर से फिल करेंगे। सर्दियों में तो वैसे भी पराठा रोज मन करता है खाने का, और भूख नहीं लगती, तो हैवी होता है ना। ये देखिए हम अलग से नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा आटे में भी हमने नमक डाल दिया है। इसमें नमक अलग से मिलाएंगे, मतलब मिला के डालते जाएंगे। हाँ, क्योंकि मूली बहुत पानी छोड़ता है ना। हाँ, तो पानी बहुत होता है। मूली कस के आपने इसको इसका पानी निचोड़ लिया था। जी जी जी, बढ़िया। पानी पिएंगे तो इसको फायदा मिलेगा, उससे बहुत अच्छा लगता है। पानी तो पानी बहुत फायदेमंद है, मूली मूली का पानी है तो बढ़िया। मूली का सलाद वैसे भी, मतलब मूली खाना ही चाहिए, मूली का तो बहुत सारे फायदे हैं। ताजी ताजी मूली अच्छी लगती थी खूब। गाँव की मूली तो कितनी मीठी होती है। खेतों से तोड़ा तो खेतों से तोड़ के लगा बराबर दो खा लिए, इतना अच्छा लगता था फिर वो। अब फिर जाएंगे तो मूली तोड़ेंगे और खाएंगे। हाँ, जाएंगे गाँव तो फिर जो है ये देखिए हमारा पराठा बन के तैयार है। बहुत बढ़िया पराठा बन के तैयार है, देखिए। आप इसको चटनी के साथ खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी के साथ घी लगा के और दही के साथ भी खा सकते हैं, लाल चटनी हो या हरी चटनी हो, मतलब किसी से भी अच्छा लगता है, या अचार हो, या अचार हो। ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा सेक के तैयार है। अब इसको निकालेंगे हम, दूसरा बनाएंगे। ये देखिए दूसरा पराठा बनके तैयार है हमारा।
ये हमारा पराठा मूली का पराठा बनके तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा बनके तैयार है। आप भी बनाएं ज़रूर और खाएं, बच्चों को भी खिलाएं अपने, ये दही के साथ खाएं या ये लाल चटनी के साथ खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ये करना ना ही भूलें, हमें बहुत अच्छा लगेगा।